ब्लेंडर के एनवायरनमेंट में राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ में सबसे नीचे हमें यहाँ पे टेक्सचर प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं। इन टेक्सचर प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल क्या है और इसको हम कैसे कोई चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आज के ट्यूटोरियल में हम इसे देखेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अपने इस क्यूब को डिलीट कर दें, शिफ्ट ए प्रेस करके एक प्लेन ले लें, एस प्रेस करके स्केल कर लें, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। इसके बाद टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाएं और इसके ऊपर राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर लें और सब डिवाइड के मेन्यू में नंबर ऑफ कट्स इसके आप 15 कर लें और एंटर कर दें। इसके बाद आप मॉडिफायर्स में आएं, ऐड मॉडिफायर में डिस्प्लेस की ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें और यहां से न्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, ऐड अ न्यू टेक्सचर। और यहां ऊपर ये जो ऑप्शन है एडिट मोड, डिस्प्ले मॉडिफायर इन एडिट मोड, इसके ऊपर भी क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि आपके जो वर्टिसेस हैं और प्लेन है इसमें कुछ डिस्टेंस आपको नज़र आएगा। अब आप अपने इस टेक्सचर प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएं और यहाँ से इसकी टाइप में आप क्लाउड को सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि आपका ये प्लेन उस क्लाउड टेक्सचर के मुताबिक चेंज हो गया है। इसके बाद अगर आप इसके साइज़ को यहाँ से चेंज कर दें तो आप देख सकते हैं कैसे इसकी शेप में तब्दीली आ रही है। और अगर हम यहाँ से क्लाउड्स की बजाय डिस्टॉर्टेड नॉइस को सिलेक्ट कर लें तो बिल्कुल डिफरेंट शेप आपके सामने आ जाएगी और इसको भी आप इसकी अमाउंट चेंज करके और इसका साइज़ चेंज करके मुख्तलिफ वेरिएशन इसकी देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये मैजिक की ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं एक डिफरेंट शेप आपके सामने आ गई है और इसको भी आप इसकी डेप्थ को चेंज करके मुख्तलिफ शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। और मैजिक के अलावा इसमें ये मार्बल की ऑप्शन भी अच्छी है, इसमें जैसे वहाँ पे आपको ये लाइनिंग नज़र आ रही है ब्लैक, यहाँ पे आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं। और इसमें इसका नॉइस बेसिस आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेल नॉइस करता हूँ तो इसकी शेप चेंज हो जाती है। मार्बल के अलावा इसमें ये नॉइस वाली ऑप्शन है, इसके अलावा ये वुड की ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें जैसा आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है वैसा ही इफ़ेक्ट आपके प्लेन के ऊपर आ गया। इसके पैटर्न को आप यहाँ से ब्रांड्स की जगह अगर रिंग्स कर देंगे तो इफ़ेक्ट देखें, ये सर्कुलर शेप रिंग शेप में ये पैटर्न डेवलप हो चुके हैं। बैंड नॉइस करें तो और शेप है, रिंग नॉइस करें तो ये और शेप है। इस तरह मुख्तलिफ तरह की शेप्स यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं वापस क्लाउड पे आता हूँ और इसके साइज़ को चेंज करता हूँ, अब अगर मैं दोबारा से टैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ और इसको राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक शेप आपके पास क्रिएट हो गई है जिससे आप कोई भी माउंटेन रेंज या कोई इस तरह की चीज़ बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह इसकी वेरिएशन को चेक करके और मुख्तलिफ वैल्यूज़ चेंज करके आप मुख्तलिफ तरह की शेप्स बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं।